जय हिंद दोस्तों। इंडिया के डिफेंस सेक्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इंडिया में बना हुआ मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर हमारी फौज में शामिल कर लिया गया है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है बिकॉज इसके बाद इंडिया दुनिया का सातवां ऐसा देश बन गया जो कि खुद का अटैक हेलीकॉप्टर बना सकता है। आज के सेशन में हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास किस किस टाइप के हेलीकॉप्टर्स थे, क्या कोई अटैक हेलीकॉप्टर था या नहीं था, और अगर था तो क्यों जरूरत पड़ी इंडिया को खुद का एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाने की, इसके क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और किस तरह से ये हमारे देश के लिए, हमारे इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए एक बूस्टर का काम करेगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जान के कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस अटैक हेलीकॉप्टर के आने से पहले और किस किस टाइप के हेलीकॉप्टर्स थे। सबसे पहले हम यूटिलिटी ऑफ और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स वो होते हैं जो कि एक मल्टीपर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग पर्पजेज के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हैवी ट्रांसपोर्टेशन, लाइट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब चीजों को कैरी करने के लिए, आर्मी या एयरफोर्स मैन को कैरी करने के लिए, हमारी फौज के जो लोग हैं उनको कैरी करने के लिए, या रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो उनसे हेलीकॉप्टर यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर, ये आपने सुना होगा, ये यूएसए से इंडिया ने ले रखा है हेलीकॉप्टर। सो ये आप देख रहे हो काफी हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसके अलावा हैवी लोड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो मिल MI-17V5, ये आपने तब भी सुना होगा जब हमारे जो पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे वो शहीद हुए थे, इसी हेलीकॉप्टर में उस टाइम वो ट्रेवल कर रहे थे। उस टाइम पे ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा चर्चा में आया था। VVIP ट्रैवलिंग के लिए, मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैरी करने के लिए लोड, ये हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है और ये हमने लिया हुआ है रशिया से। और इसके बाद अब आप देख रहे हो HAL ध्रुव या रुद्रा हेलीकॉप्टर। HAL यहाँ पे स्टैंड करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। ये एक गवर्नमेंट ओन बॉडी है जो कि रिसर्च करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग मशीनरीज की, इक्विपमेंट की, डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए। अब जो HAL ध्रुव है ये भी एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, इंडिया का बनाया हुआ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, और इसका जो आर्म्ड वर्जन है उसको बोलते हैं रुद्रा। और यहाँ पे आप उसी की पिक देख रहे हो, यहाँ आप इसी का आर्म्ड वर्जन देख रहे हो। उसके बाद है HAL चीता। अब आप सोचोगे ये भी क्या इंडिया में बनाया हुआ है, बनाया हुआ है डेफिनेटली इंडिया में, बट इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ली गई है फ्रांस की एक कंपनी से, लाइसेंस के अंडर ये इंडिया में बनाया जाता है लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रांस की एक कंपनी की है। यहाँ आप देख रहे हो ये है एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसकी बॉडी देख रहे हो आप, काफी आपको लाइट दिखेगी। इनका जो वजन होता है वो होता है 3 टन के अंडर अंडर। सो ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, और इसी की तरह एक ये HAL चेतक, ये भी एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इसकी टेक्नोलॉजी भी फ्रांस से ही ली गई है, वही उसी के लाइसेंस के अंडर यहाँ इसको बनाया जाता है। सो हमने यहाँ बात कर ली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या अभी से पहले इंडिया के पास क्या कोई अटैक हेलीकॉप्टर भी था। डेफिनेटली था, बट वो इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर्स थे। सबसे पहले बात करते हैं बोइंग AH-64 अपाचे की। ये एक यूएसए से इंपोर्टेड अटैक हेलीकॉप्टर था। यहां हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो पहले हेलीकॉप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं और एक अटैक हेलीकॉप्टर में फर्क क्या होता है। अटैक हेलीकॉप्टर डेडिकेटेडली वॉर वाले सिनेरियो के लिए होता है, कि आपको वो नाम से ही आप समझ सकते हो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। सो आपने जब वीडियो गेम्स बचपन में या आज की डेट में भी खेलते हो, आप देखते होगे इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स, और उसके अंदर से आप फायर कर रहे हो, मल्टीपल मिसाइल्स निकल रही हैं, मल्टीपल रॉकेट्स निकल रहे हैं, गन्स तक उसके अंदर माउंटेड होती हैं। तो इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स को हम बोलते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वॉर के अंदर। अभी जो यूक्रेन रशिया की वॉर हुई है उसके अंदर भी अटैक हेलीकॉप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहाँ आप जो ये पिक्स देख रहे हो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स की ही देख रहे हो। यहाँ पे आप एक शिप के ऊपर देख रहे हो कि किस तरह से एक अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अपनी दोनों तरफ से रॉकेट्स दागे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप मिसाइल्स फायर होते हुए देख रहे हो अटैक हेलीकॉप्टर से। यहाँ पे भी आप कई तरह के जो रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर होते हुए देख रहे हो। सो इनकी कुछ खासियत होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको एक पता होना चाहिए एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर और एक अटैक हेलीकॉप्टर में फर्क क्या होता है। सो बोइंग अपाचे जो यूएसए से हमने लिया वो इसी कैटेगरी है। उसके अलावा रशिया से हमने मिल MI-24 इंपोर्ट कर रखा है,
अटैक हेलीकॉप्टर, और ये उसी की पिक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी दो तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स थे तो खुद का बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर इंडक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1999 के कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर आपको पता है हिमालयन रेंज में हुई थी, और हिमालयन रेंज दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। हर कंट्री जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है वो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाती है कि उसको किस किस एनवायरनमेंट में लड़ना पड़ सकता है। कोई भी कंट्री ये सोच के नहीं बनाती कि उस कंट्री के हिसाब से बनाऊं फिर उनको बेचूं। उनके ऑलरेडी बनाए हुए इक्विपमेंट अगर किसी और कंट्री को सूटेबल लगते हैं तो उसमें हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करके वो दूसरी कंट्री को बेच देते हैं। सो हिमालयन रेंज क्योंकि दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज थी, तो उस टाइम पे जरूरत ये महसूस हुई कि हमें इस टाइप के अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि वेपन्स का हैवी लोड लेके टेक ऑफ कर सके और लैंड कर सके। आपको पता है हेलीकॉप्टर का खुद का वजन है, उसके बाद उसके अंदर फ्यूल का वजन है, और अगर आप उसको वेपन्स के साथ लोड कर देते हो तो वेपन्स कोई हल्के तो होते नहीं है, बहुत हैवी होते हैं। सो उनको कैरी करके इतनी हाइट पे टेक ऑफ करना और लैंड करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। सो उसके लिए स्पेशल टाइप के हेलीकॉप्टर चाहिए। सो उस टाइम डिसाइड किया गया कि हम खुद के हेलीकॉप्टर्स बनाएं और इसके रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करें। सो इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो महसूस हुई वो कारगिल वॉर के दौरान हुई। सो अक्टूबर 2006 के अंदर प्रोजेक्ट सेंक्शन किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने पहले दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी डिज़ाइन किए हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, चीता हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर। सो उनको ये एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप इंडिया के अंदर खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स के ऊपर रिसर्च शुरू करो और उनको बनाओ। सो धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च की, कई तरह के ट्रायल्स किए, बहुत गर्म जगहों पर भी ट्रायल किए, सियाचिन जैसी इतनी हाईएस्ट जो हाई पीक्स हैं वहाँ पे भी उनका ट्रायल किया गया कि क्या हम जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है एक अटैक हेलीकॉप्टर की उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या वो अपने जो एक पर्पस है उसका वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं। सो सारे ट्रायल्स करने के बाद ये अपने स्टेजेस में प्रोसेस चल रहा था। इन बिटवीन अगस्त 2020 के अंदर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH का मतलब है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसका प्रोजेक्ट HAL को दिया गया था कि हल्के वजन का कॉम्बैट मतलब लड़ाई करने वाला एक हेलीकॉप्टर बनाया जाए, उसके इंपोर्ट पे भारत ने बैन लगा दिया कि अब से हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, अब से हम अपना खुद का ही बनाया हुआ हेलीकॉप्टर अपनी फौज में शामिल करेंगे। ये जो मेड इन इंडिया वाली चीज है ये यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद इसको और ज्यादा पुश मिला है, क्योंकि इस वॉर के दौरान ये चीज देखी गई कि अगर कभी किसी सिचुएशन में किसी कंट्री से वॉर लग जाए या मल्टीपल कंट्री से वॉर लग जाए तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अगर हमारी सारा का सारा डिफेंस जो है इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स पे ही डिपेंडेंट होगा तो हम दूसरे देशों की तरफ ही देखते रहेंगे कि वो हमें इक्विपमेंट दे, उनके साथ हमें इक्वेशन सही रखनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। सो बेटर है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। सो अब गवर्नमेंट ज़्यादा पुश दे रही है इस चीज़ को कि एक तो हम खुद के डिफेंस इक्विपमेंट डिज़ाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट भी करें। सो इंडिया ने एक टारगेट बना लिया कि 2025 तक हम कम से कम 35,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे, और ये टारगेट आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। सो हम एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो उसी का ये पार्ट था कि हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऊपर बैन लगा दिया इम्पोर्ट करने पे। मार्च 2022 इस साल के मार्च के अंदर CCS ने जो सेंट्रल जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने अप्रूव किए ऑर्डर 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के कि हम 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेंगे एट दी कॉस्ट ऑफ ₹3,887 करोड़, और 377 करोड़ रुपए जो उससे रिलेटेड अलाइड इंफ्रा के लिए चाहिए होंगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ हेलीकॉप्टर पे खर्चा होता है, जो उससे रिलेटेड जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको रन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो उसका जो कॉस्ट था वो एस्टिमेटेड इतना था। तो इतना बजट अप्रूव किया गया 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए, और इसमें से जो 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होने थे वो होंगे एयरफोर्स के लिए और 5 होंगे आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी का भी अपना एक यूनिट है आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो कि हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स
चलाता है। ऐसा नहीं है आर्मी के अंदर आप ये सोचोगे कि आर्मी सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स पे ही डिपेंडेंट रहती है अपने हर एक ऑपरेशन के अंदर, नहीं, आर्मी का अपना एक यूनिट भी है स्पेशल डेडिकेटेड। सो उसके लिए 5 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अप्रूव किए गए। और जो प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म में हमारी आर्मी और एयरफोर्स की मिला के, वो है 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की, जिसमें 65 इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब यहाँ आप देखो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की और एयरफोर्स की है 65। टोटल हमारी जो है रिक्वायरमेंट लगभग 160 की है, जिसमें से अभी के लिए 15 अप्रूव किए गए हैं। और इन्हीं जो ये जो 10 और 5 का फिगर देख रहे हो, इन्हीं में से ही पहला एक 4 का बैच बन के आके अब उसकी इंडक्शन सेरेमनी हुई थी, जो अभी आपने न्यूज़ में देखा है वो इसी की इंडक्शन सेरेमनी थी। अभी आप पिक्स देख रहे हो जोधपुर एयरबेस की, जहाँ पे एयरफोर्स के अंदर इसके 3 यूनिट्स को इंडक्ट किया गया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रचंड, जैसे कि आप पहले देख रहे थे चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर, ऐसे ही इसका नाम रखा गया है प्रचंड। प्रचंड का क्या मतलब होता है, हम आपने सुना होगा कई बार प्रचंड अग्नि, मतलब उग्र, अग्रेसिव, मतलब एक अग्रेसिव हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे आप इसकी बॉडी पे लिखा हुआ हिंदी में देख भी रहे हो प्रचंड। हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी इंडक्शन सेरेमनी वहाँ पे कंप्लीट की, वहाँ पे CDS भी, जो हमारे नए CDS बने हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। सो ये प्रॉपर एक सेरेमनी हुई। अब क्या सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स में इसकी इंडक्शन हुई है, ये इंडक्शन हुई थी 3rd of October को, बट इससे भी पहले 29th of September को एक यूनिट आर्मी में ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया। बट ये फर्क ये था कि वहाँ पे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट शायद नहीं हुआ, इसलिए आपने नहीं सुना होगा न्यूज़ के अंदर। बट ये एक यूनिट 29th of September को, जो आर्मी का मैंने आपको बताया था एविएशन कॉर्प्स एक डेडिकेटेड यूनिट होता है, उसमें इसको इंडक्ट कर लिया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। सो ये बेंगलुरु जो वहाँ का एयरबेस स्टेशन है, वहाँ की आप फोटो देख रहे हो और यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देख रहे हो आर्मी। सो ये टोटल आप कह सकते हो कि 4 यूनिट इंडक्ट कर लिए गए हैं। अब हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं जो कि इसको एक स्पेशल टाइप का अटैक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर अपने आप में यूनिक भी है पूरे वर्ल्ड में, उसकी भी हम डिस्कशन अभी करते हैं कि किस तरह से है। जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है इसका 5.8 टन। हमने डिस्कस किया था जो HAL चीता और HAL चेतक था वो थे सब 3 टन कैटेगरी के, मतलब लाइट यूटिलिटी के। अब ये लाइट कैटेगरी में तो आता है क्योंकि ये 5.8 टन का है, बट ये अपने आप में ही एक और भी फीचर्स इसके अंदर हैं और ये ठीक ठाक एक आप कह सकते हो उसकी कैपेसिटी है जो कि इसको एक अटैक हेलीकॉप्टर कैटेगरी में रखती है। मैक्सिमम स्पीड जो है वो है इसकी 268 किलोमीटर पर आवर, रेंज जो है 550 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि एक बार जब इसका फ्यूल टैंक फुल होगा तो उसके बाद ये 550 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल जिस पे ये फ्लाई कर सकता है वो है 6500 मीटर, 6.5 किलोमीटर की हाइट तक ये ट्रेवल टेक ऑफ कर सकता है, उस हाइट तक ये उड़ सकता है। एक यूनिक फीचर जो कि और किसी अटैक हेलीकॉप्टर में वर्ल्ड में नहीं है वो ये है कि ये 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पे अबव सी लेवल ये टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो वेट ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल। मतलब अगर फ्यूल का और जो वेपन्स ये कैरी कर रहा है उसका वेट अच्छा खासा है तो भी ये 5000 मीटर की ऊंचाई से टेक ऑफ कर पाएगा और लैंड कर पाएगा। ये खासियत है इस हेलीकॉप्टर की जो कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसमें डिज़ाइन की है, इसमें इंक्लूड की है। एंड्योरेंस जो है वो है इसकी 3 घंटे, मतलब ये कंसिस्टेंटली 3 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। कैन ऑपरेट इन वेरी हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट। आपको पता है हमारे बॉर्डर एरियाज में रेगिस्तान भी है, राजस्थान के अंदर रेगिस्तान भी है, डेजर्ट एरिया भी है, उसके अलावा सियाचिन जैसे एरिया भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड हैं। तो हमारी कंडीशंस एक्सट्रीमली कोल्ड भी हैं, एक्सट्रीमली हॉट भी हैं। सो ये दोनों तरह की कंडीशंस में ऑपरेट कर पाएगा। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि फ्रेंच ओरिजिन के शक्ति इंजन से पावर्ड है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी
फ्रांस की है बट बनाया इंडिया में ही गया इंजन्स को। सो आप ये नहीं कहोगे कि हमने इम्पोर्ट की है, टेक्नोलॉजी का आइडिया हमने लिया है बट ये अब इंडियन मेड इंजन ही है, ट्विन है, मतलब दो इंजन हैं इसके अंदर। नैरो फ्यूजलाज एंड टेंडम को पायलट इज ऑल्सो दी वेपन सिस्टम ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ जो फ्यूजलाज बोला हुआ है वो क्या होती है, बॉडी होती है हेलीकॉप्टर की। आप यहाँ देखो ये आपको नैरो टाइप की बॉडी दिखेगी, ये आपको कोई वाइड टाइप की नहीं दिखेगी, बिल्कुल नैरो टाइप की बॉडी दिखेगी। सो डैट जो जो एक आप कह सकते हो नैरो एरियाज भी होते हैं वहां से भी ये फ्लाई कर सके, क्योंकि कई बार इस तरह के ऑपरेशंस भी हमें करने पड़ते हैं जहां पे जो पाथ होता है बड़ा ही नैरो होता है, तो उसको ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल बनाती है उस तरह के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। उसके टेंडम का क्या मतलब हुआ, जहां ये लिखा हुआ है को पायलट इज ऑल्सो द वेपन सिस्टम ऑपरेटर, मतलब पायलट और को पायलट साथ साथ नहीं बैठेंगे। जैसे हमने पीछे कुछ हेलीकॉप्टर देखे थे उनकी अगर आप पिक्स देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पायलट दिख रहा है और ये को पायलट दिख रहा है, तो ये साथ साथ बैठे हैं। बट इस हेलीकॉप्टर के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पायलट ये आगे बैठेगा और को पायलट पीछे बैठेगा, और जो को पायलट होगा वो वेपन सिस्टम ऑपरेटर होगा, मतलब पायलट जो है वो हेलीकॉप्टर को उड़ाने पे फोकस करेगा, वो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है और जो पीछे को पायलट है वो वेपन सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा कि कौन सा वेपन चलाना है, कैसे चलाना है, किस डायरेक्शन में चलाना है, टारगेट को पूरा देख के किस वेपन को चलाना है, वो सब चीजें को पायलट कंट्रोल करेगा। सो बॉडी को नैरो डाउन करने के लिए इस तरह का टेंडम जो इनका कॉन्फिग्रेशन है वो डिजाइन की गई। उसके बाद हाई एजिलिटी एंड हाई मैन्यूवरेबिलिटी। हाई एजिलिटी का क्या मतलब होता है कि तेजी से रफ्तार पकड़ लेना, कि ये रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ लेता है, अपनी जो पीक स्पीड है उसको बहुत तेजी से पकड़ लेता है। और हाई मैन्यूवरेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन तेजी से चेंज कर लेना, मतलब आप ध्यान मिलाओ एक बार जब आप वीडियो गेम्स खेलते हो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, उसमें जब आप लेफ्ट राइट का कंट्रोल करते हो तेजी से वो अटैक करता हुआ हेलीकॉप्टर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो आपने कई बार वीडियोस में भी देखा होगा न्यूज के अंदर जब ये यूक्रेन रशिया की भी लड़ाई हुई है और कोई वॉर के अंदर, कि जो लड़ाकू जहाज होते हैं खास करके इनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और वो चाहिए भी क्योंकि आपके ऊपर भी अटैक हो रहा होता है और आपको भी अटैक करना होता है, तो उस केस के अंदर जो आपकी जो चेंज ऑफ डायरेक्शन की स्पीड है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, और वो चीज इसमें है। रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, कि रडार पे ये कम से कम पता चले इसकी प्रेजेंस, उस तरह का मटेरियल इसमें यूज किया गया है। क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है इसका, और लैंडिंग गियर भी जो है वो भी क्रैश प्रूफ है, सो डैट क्रैश लैंडिंग अगर होती है तो उस केस के अंदर पायलट को पायलट सेफ रहें। प्रेशराइज्ड कैबिन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटिजेंसी, मतलब इन केस अगर कहीं पे वॉर के दौरान लड़ाई के दौरान या किसी एनवायरमेंट के अंदर कोई न्यूक्लियर बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक होता है तो उस केस के अंदर भी पायलट को पायलट सेफ रहें, इस तरह का इसका एक प्रेशराइज्ड कैबिन है। नाइट अटैक कैपेबिलिटी, रात को भी अटैक करने की कैपेबिलिटी, जो कि बहुत जरूरी है आजकल के वॉरफेयर के टाइम पे। और उसके अलावा इसके अंदर 20 mm की टरेट गन, जो कि आप देखोगे यहाँ पे ये जो आप फ्रंट में एक नोजल सी देख रहे हो ये बेसिकली 20 mm की टरेट गन है। ऐसा नहीं है कि गन सिर्फ आर्मी ही अपने जो कैरी करती है उसी से ही फायर करेगी, एयरक्राफ्ट के अंदर भी गन होती हैं बट ये बड़े साइज की गन होती हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 20 mm की टरेट गन, उसके अलावा 70 mm के रॉकेट्स, जो 70 mm के रॉकेट्स हैं वो भी फायर किए जा सकते हैं, ये उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हो इनमें उनको फिक्स करके फायर किया जा सकता है। और लास्टली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, यहाँ पे आप देखोगे एयर टू एयर मिसाइल्स भी फिट की जा सकती हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, जो कि इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। आपने आज का सेशन सुनने के बाद एक कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि ये इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। इंडीड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ कंट्रीज को इस हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। सो क्योंकि हम अपने एक्सपोर्ट पे भी अब फोकस कर रहे हैं, सो अगर कुछ कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड होंगी तो अब हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ आ गया क्यों ये अटैक हेलीकॉप्टर का इंडक्शन इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और आने वाले टाइम में हमारे इंडियन एयरफोर्स आर्मी को, हमारे देश को एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।